हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स इंडिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अगर अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक, आइए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। आपका इस लेक्चर नंबर 8 है। इस टॉपिक में बात करेंगे हम क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेनली किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और किसी भी तीसरा प्रोडक्ट के साथ डॉट करा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे देखिए आपका हुआ ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसमें देखिए हमने जो बताया किसी भी दो वेक्टर क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे और किसी तीसरे वेक्टर के साथ डॉट करा देंगे तो आपका क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड और बी को लिखेंगे क्या, बी एक्स बी वाई और बी जेड। सेम इसी प्रकार सी को एक्स वाई जेड डायरेक्शन दिखाते हैं सी वाई और यहाँ पे सी जेड, ये लिखने का तरीका हुआ। ठीक, अब सेम इसी तरह हम देखिए बताएंगे कि आपको किसी दो वेक्टर का क्रॉस किसी एक वेक्टर के साथ डॉट, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि नहीं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं क्या, इसे ए बाहर लिए थे इसमें बी इसमें सी बाहर ले लें, वेक्टर सी डॉट क्या करा देंगे, अंदर क्या बचेगा वेक्टर ए बचेगा और वेक्टर बी का क्या कराएंगे, क्रॉस करा देंगे। ठीक, ये देखिए इस प्रकार एक दो तीन, तीन क्या होंगे एक दूसरे के बराबर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी किसके बराबर होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तीन क्या होंगे, तीनों क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, अगर सेम यही तीनों वेक्टर, ध्यान समझिए, अगर तीनों वेक्टर क्या होंगे सेम प्लेन पे लाई करेंगे, इफ लिख दे रहे हैं, इफ दिस वेक्टर दिस वेक्टर्स आर लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, यदि तीनों वेक्टर एक प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं तब देन क्या होंगे, देन ये तीनों क्या होंगे इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर जीरो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर जीरो, सेम इसी तरह वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसके स्क्रीन शॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, इसके बाद समझते हैं। ठीक, इतना आप लोग को समझ आया, आइए अब इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद क्या है। हमने बताया कि किसी दो वेक्टर का क्रॉस कराएंगे किसी एक का डॉट कराएंगे, हम इसके लिए सकते क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, इतना हुआ। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, किसी दो वेक्टर का हमने क्या करा लिया, क्रॉस प्रोडक्ट करा लिया, किसी एक का डॉट हो गया। सेम इसी तरह इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए तो हम इसका भी वैल्यू निकालेंगे और इसका भी वैल्यू निकालेंगे। पहले मान लेंगे वेक्टर ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा। ठीक, मान लो हम मान ले रहे हैं यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए बराबर थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, ये हमने मान लिया। अब देखिए वेक्टर बी बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वेक्टर बी बराबर कुछ भी मान सकते हैं आप अपने मन से, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप। ठीक, इसी तरह वेक्टर सी बराबर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको जो भी समझ में आए कुछ भी मान लीजिए। मान लें क्या, यहाँ पे आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, मान लिए, ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया गया है। आइए अब देखते हैं क्या, अब क्या करेंगे, हम पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालेंगे। ठीक,
आइए यहाँ पे निकाल देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका क्या करेंगे, वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। ठीक, आइए देखा निकालते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्या करेंगे आई का आई जे आई कैप जे कैप और के कैप ले लेंगे। ठीक, और उसके बाद हम बी का बी में देखेंगे वेक्टर बी है, उसमें आई का कंपोनेंट, फिर जे का कंपोनेंट, फिर के का कंपोनेंट ऐसे लिख लेंगे। ठीक, इसमें देखिए क्या है, वेक्टर बी का कंपोनेंट क्या है, यहाँ वेक्टर बी यहाँ है, उसमें आई का कंपोनेंट टू, यहाँ पे टू लिख लेंगे। अब जे का कंपोनेंट क्या है, माइनस वन लिख लेंगे। के का कंपोनेंट थ्री, थ्री लिख लिए। ठीक, सेम इसी प्रकार सी में देखेंगे, सी में आई का कंपोनेंट क्या है, वन है, और जे का माइनस टू है, के का फोर है। इतना समझ में आया आप लोगों को, ये सब आप नाइन्थ या नाइन्थ सॉरी नहीं इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ चुके होंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे, निकालने क्या करते हैं, पहले आई कैप बाहर ले लेंगे, ये देखिए आई कैप बाहर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, फोर का माइनस वन में माइनस फोर आ गया, फिर माइनस लगा दीजिए क्या है, माइनस टू का थ्री में करो तो माइनस सिक्स, यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस सिक्स हो जाएगा, सेम ही क्या यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, जब जे को ऐसे बंद करेंगे ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा एट, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस थ्री, सेम इसी का प्लस के कैप लेंगे, के कैप लेंगे तो ये बंद होगा, ये तो माइनस टू का टू में तो माइनस फोर, फिर माइनस ये माइनस वन का माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस फोर प्लस सिक्स क्या आ गया, टू आई कैप, एट में से थ्री गया फाइव, माइनस फाइव जे कैप, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये माइनस हो जाएगा बाहर आ गया माइनस, हो माइनस थ्री के कैप, ये क्या है आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आया है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की जगह क्या है, अब लिख लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू, वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, ये वेक्टर ए है। अब डॉट लगाइए, वेक्टर बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, वेक्टर बी क्रॉस सी यहाँ पे निकला है क्या है, टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप। ठीक, अब इसका क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो देखिए थ्री का टू में जब करेंगे तो क्या आएगा आपका सिक्स। ठीक, अब माइनस टू का माइनस फाइव में करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस टेन आ गया, और देखिए फोर का माइनस थ्री में फोर थ्री माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व आ गया, और देखिए आप क्या आ गया आपका सिक्सटीन, और सिक्सटीन में से ट्वेल्व गया फोर, क्या आ गया आपका फोर। ठीक, अब स्क्रीन शॉट लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा प्लस क्या जाएगा फाइव टू जाए टेन माइनस ट्वेल्व, यह आ जाएगा सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इक्वल टू फोर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए फोर आ गया, इसका वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी का वैल्यू कितना है फोर, सेम इसी प्रकार क्या होना चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी का भी वैल्यू अगर फोर आता है तब तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि तो स्केलर नियम क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रूल, इसी दो वेक्टर का क्रॉस कराएंगे एक का डॉट करा देंगे, वही नियम है, हमने सेम इसी प्रकार दिया था, इसी दो वेक्टर का क्रॉस करा दिया एक का डॉट करा दिया, सेम इसी प्रकार दो वेक्टर का क्रॉस किया एक का डॉट करा दिया है, जिसका वैल्यू जितना वैल्यू ये आएगा उतना वैल्यू ये भी आना चाहिए, तो इसका वैल्यू तो हमने निकाल लिया फोर आ गया, और सेम इसका वैल्यू तो फोर आना चाहिए। आइए देखते हैं हम इसका करके, अब इसके सर ले लीजिए फिर नोट कर लीजिए, आइए इसके बाद समझते हैं। ठीक, चलिए आइए अब समझते हैं क्या हमने क्या है? हम बी क्रॉस सी निकाला था, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, अब देखिए आई जे कैप तो सेम इसी तरह, देखिए यही एक तरीका है लगाने का, सबसे पहले जो आई जे कैप उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो जिसका जिसका क्रॉस प्रोडक्ट है उसका उसका आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट लिख लेंगे। ठीक, आई जे कैप तो सेम ऐसे ही ऊपर रहेगा,
अब देखिए वेक्टर ए यहाँ पे है, इसमें क्या करेंगे आई का कंपोनेंट, फिर जे का कंपोनेंट, फिर के का कंपोनेंट, सेम ही प्रकार बी में देखेंगे फिर आई का कंपोनेंट, फिर जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट, ठीक। अब देखिए वेक्टर ए में आई का कंपोनेंट क्या है, 3 है, और जे का -2 है, और के का क्या है, 4 है, ठीक। पिंक मार्कर नहीं चल रहा, आई ब्लू मार्कर से इसमें स्याही से ऐड करता हूँ, ठीक। इसमें देखिए क्या है, 3 है इसका, इसका क्या है -2 है, और इसका क्या है 4 है। सेम इसी प्रकार किसका देखेंगे, बी का, बी का देखिए आई का 2 है, जे का -1, के का 3। आई का क्या है 2, जे का -1 और के का 3, ठीक। अब क्या करेंगे हम आई को आपको बाहर लेंगे, बाहर लिए, अब क्या करेंगे ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो 3 का 2 में -2 में करेंगे -6 आ गया, इसका इसका मल्टीप्लाई माइनस वाले से होता है -4, +4 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या जाए -j का f, अब ये बंद हो गया, 3 जा 9, फिर क्या 4 जा 8, ठीक। अब क्या लेंगे +k का f, k का f लिए, ये हुआ ये बंद हुआ, ठीक, ये और ये बंद हो गया, क्या करेंगे -3 +4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस वाले से रहता है, 2 जा 4 माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा -2 आई कैप, 9 में से कट गया 1, -j कैप +k कैप, ये किसका वैल्यू है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, ठीक। हमको निकालना क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, हम निकालेंगे क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इस वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका इसका वैल्यू लिख लीजिए, कितना आया है इसका -2 आई कैप -j कैप +k कैप, ये आपका हुआ। और देखिए वेक्टर सी का कहाँ पे, यहाँ पे है वैल्यू ना, डॉट वेक्टर सी क्या है आई कैप -2j कैप +4k कैप। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हम ऊपर कर दे रहे हैं, देखिए -2 का 1 में करेंगे क्या आ गया -2, और -1 का -2 में करेंगे तो +1, अब देखिए 1 का करेंगे 4 में तो क्या आएगा 4 आएगा, कहीं गड़बड़ हो गया, -2 इसका इसका 1 का -2, यहाँ -2 रहेगा ना, सॉरी +2 रहेगा, क्योंकि देखिए -2 का 1 में -2 होगा, -1 का -2 में करेंगे तो +2 आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। और यहाँ पे 1 का 4 में करेंगे 4, देखिए प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, आ गया कितना 4। ध्यान दीजिए हमने क्या निकाला था, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी निकाला था, उसमें भी वैल्यू क्या आया था 4 आया था, और इसमें भी वैल्यू क्या आया 4 आ गया। इससे ये पता चलता है कि हम आगे पीछे कहीं भी लिख ले, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, दो दो वेक्टर का करना चाहिए क्रॉस रहना चाहिए, और एक का क्या चाहिए डॉट रहना चाहिए, चाहे कोई सा भी दो वेक्टर ले लें, उसका क्रॉस लेंगे इसी एक का डॉट लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जानेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या होता है क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कराएंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इतना हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।